भारत जोड़ो यात्रा में मध्य प्रदेश सरकार कांग्रेस के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने विधानसभा जोरा की पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ किया। वहीं भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। जोरा मुरैना जिले के विधानसभा जोरा में एक सभा को संबोधित कर रहे मध्य प्रदेश सरकार कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह बाबा साहब विधायक राधोगढ़ के द्वारा भारत जोड़ो पदयात्रा को हरी झंडी देकर किया प्रारंभ। और इस पदयात्रा के शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस के नेता हरि सिंह कुशवाहा, जिला पंचायत सदस्य मुरैना व उनके साथ भानु प्रताप सिंह सिकरवार, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जोरा और सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ प्रारंभ की। कांग्रेस पूर्व मंत्री के सामने अन्य पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता भी ली। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री व राधोगढ़ विधायक माननीय जयवर्धन सिंह बाबा साहब जी के जोरा नगर आगमन पर कांग्रेस नेता हरि सिंह कुशवाहा व भानु प्रताप सिंह सिकरवार के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मंच के माध्यम से उनका भव्य स्वागत किया। वहीं कांग्रेस नेता जिला सदस्य हरि सिंह कुशवाहा पहाड़गंज व भानु प्रताप सिंह सिकरवार ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जोरा का कहना है कि भारत जोड़ो पद यात्रा जोरा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव-गांव तक जाएगी और रात में विश्राम भी वहीं करेगी। ये पद यात्रा 15 दिन की होगी और आज से लोगों के को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो पद यात्रा शुरू की गई है। इस यात्रा का मकसद प्रेम और भाईचारे को फैलाना है, इसलिए इसका नाम भारत जोड़ो यात्रा रखा गया। ये यात्रा एकता की शक्ति दिखाने, कदम से कदम मिलाने और सपनों का भारत बनाने के लिए पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह जी द्वारा बताया गया है कि राहुल गांधी 7 सितंबर को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ता लक्ष्मण सिंह कुशवाहा, पंकज उपाध्याय, राकेश मवाई, विधायक मुरैना शोभरन सिंह गुर्जा, अमर सिंह धाकर, जिला पंचायत सदस्य महेश दत्त मिश्रा, संजय सिंह यादव, रमेश कुशवाहा, अविनाश गोस्वामी, धर सिंह कुशवाहा, लाल सिंह कुशवाहा और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जोरा में भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली जा रही है, इससे क्या लोगों को संदेश देना चाहते हो जोरा विधानसभा के अंदर? जो भारत जोड़ो यात्रा हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसी के संबंध में जोरा विधानसभा में आज आदरणीय जयवर्धन सिंह जी पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन ने हरी झंडी दिखाकर हमको जोरा विधानसभा में आदरणीय हरि सिंह कुशवाहा जी और हमारे जो सभी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनको हरी झंडी दिखा रवाना किया है। भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ हरी झंडी देकर किया गया है, आप किन दिनों में जोरा विधानसभा में कितने दिनों में यात्रा को संपूर्ण कर पाएंगे? ये जोरा विधानसभा के प्रत्येक ग्राम पंचायत में पहुंच रही है पदयात्रा और हमारे चिंटू सिकरवार जी हमने निर्णय लिया है कि हम 15 दिवसीय यात्रा तय की है जोरा विधानसभा की और आगे समय भी बढ़ सकता है। ये जैसी जहां हमें लग रहा है कि अगर टाइम बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ सकता है इसके। देश की है, अमेरिका से बेहतर है और आज स्थिति ये हो गई है कि सुबह 7 बजे VC ले रहे हैं और टोक रहे हैं अधिकारियों को कि सड़कें बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि अब शिवराज सिंह के नियंत्रण में व्यवस्था नहीं है और जो आपने उल्लेख किया है।